हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पवन एजुकेशन पॉइंट। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का देखो हमारा टॉपिक होगा जो रेक्टेंगल होता है जिसको हम आयत कहते हैं, बट हमारे पास एक हम पार्ट बना के आए हैं जो कि हमने क्या लगा रखा, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर लगा रखा है जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का पहला पार्ट हमारे पास लगा, हमारे पास वर्ग। अब वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारा वर्ग मैंने बताया कि वर्ग किस तरीके से हमारा काम करता है या वर्ग क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। एक बार देखो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जरूर टॉप पे मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। यदि ने किसी ने वर्ग नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखना जाके वर्ग वाली को। फिर यहां से हमारा स्टार्ट होता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल होता क्या है हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है, प्रॉपर्टी में कैसे वर्क करता है हमारे पास रेक्टेंगल, उसकी क्या क्या कंडीशन होती है, कब रेक्टेंगल में पैरामीटर निकालना होगा, कब हमारे पास आयत निकालना होगा, तो बस मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है। जितने बच्चे बैठे हो, जो न्यू बच्चे बैठे देखो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा सभी शेयर करो। आइए देखिए बात करते हैं अपने आयत की। जो आयत देखो हमारे पास, जैसे हम आयत होता है और आयत को कहते थे भैया इंग्लिश में रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल देखो, एंगल नाम इसी में आ रहा है। अब आयत होता क्या है, हमारी फिगर किस तरीके से आयत की काम करती है। यदि मैंने देखो ये लिया, मैंने इस तरीके से ये बनाई एक फिगर, ये मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है भैया, मैं इसको नाम दे दूं यदि ए बी सी डी। अब ये हमारा जो पार्ट चल रहा है वो चतुर्भुज के अंदर चल रहा है, क्योंकि चतुर्भुज में क्या होता है, जो चार आकृति से घिरा होता है, चतुर्भुज ये होता है जिसमें चार एंगल होते हैं और चार हमारे पास साइड होती है। तो चतुर्भुज का ही एक हमारे पास पार्ट है जो क्या, हमारे पास आयत है पूरा। तो आयत की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो सबसे पहले क्या कहते हैं कि आयत की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है हमारे पास, तो इतना ध्यान रखना सभी बच्चे, देखो ध्यान से सीखना, क्योंकि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमें आयत और वर्ग में दोनों में डिफरेंट नहीं होता है कि सर आयत क्या है और वर्ग क्या है, तो आज उन्हीं बच्चों को देखो ध्यान से सीखना है। जैसे मेरे पास ये दोनों फिगर शो हो रही है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं इस फिगर को, तो मान ले देखो मैंने ये फिगर बना ली। अब ये मत सोचना, देखो ये मैंने इस तरीके से मानना कि दोनों मेरे पास, ये तो होगा मेरे पास एक वर्ग की, ये आयत की फिगर हो गई मेरे पास और ये मेरे पास हो गई एक वर्ग की फिगर, ये चीज मान के चलना, ठीक है, क्योंकि मेजर मैंने नहीं किया इस चीज को, तो दोनों की प्रॉपर्टी को यही डिफरेंट कर देंगे कि क्या हमारे पास आयत होता है और क्या हमारे पास एक वर्ग होता है। तो यहीं से हमारा डिफरेंट हो जाएगा कि किसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं और किसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखो आयत की कहेंगे। अब आयत की प्रॉपर्टी मेरे पास नॉर्मल सी ये हो जाती है कि इसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस साइड इनटू दिस साइड आर इक्वल एंड दिस साइड इनटू दिस साइड आर इक्वल। तो ये कह सकते हो कि वह आकृति जिसके सामने की भुजा, यही कह दो आमने सामने की, यही इतना कह दो, देखो विपरीत बोल सकते हो, यहां से आसान है, फिर विपरीत भुजा बराबर होती है, विपरीत भुजा बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। देखो भैया ये डेफिनेशन यदि पता है तो देखो फिर कोई सा भी, ये मान लो कि यदि कोई हमें कोई एग्जाम निकालना है या किसी भी तरीके से हम एग्जाम प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले चीज उसकी हमें बेसिक पॉइंट पता होना। यदि हमें किसी चीज का बेसिक पॉइंट नहीं पता होगा तो हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। मान लो मैंने यही लिखा है 2-3, तो 2-3 नॉर्मल सी बात सभी को पता कि हम कहते थे जब बचपन में पूछा जाता ना कि भैया 2 है, 2 में से 3 घटाओ, तो पता बचपन में क्या कहते हैं, 2 में से 3 जाएगा ही नहीं। बट जैसे हम बड़ी क्लासों में आए तो हमें पता लगा कि 2 में से 3 -1 होता है, तो हमें यहाँ इसका एक बेसिक पता है, हमें यहाँ इसका एक पॉइंट पता है। तो इसलिए मेरे पास सबसे पहला काम ये है कि हमें प्रॉपर्टी पता होना सबसे पहले। तो आयत की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल किसके हो जाएगी मेरे पास, के ए बी इक्वल तो किसके हो जाएगी मेरे पास, ए बी इक्वल टू डी सी के बता सकते हो, ए बी इक्वल डी सी के, एंड और क्या हो सकता है मेरे पास, ए डी इक्वल टू बी सी के बता सकते हो, तो ए डी इक्वल किसके भैया, बी सी के बराबर कह सकते हो, दिस साइड इंटू दिस साइड और दिस साइड इंटू दिस साइड, तो ये साइड ये इसके बराबर हो जाएगी और मेरी ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये पहली प्रॉपर्टी मान के चलना। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ कहता हूँ देखो ऐसे, देखो मेरे पास वर्ग में क्या होता है, वर्ग में भी क्या बताया, देखो यहाँ चार एंगल बनते हैं और चारों कोण कितने के होते हैं हमारे पास, 90 के होते हैं, तो देखो ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, तो ऐसी मेरे पास यहाँ भी क्या बन गया, 90 बन गया। तो ये कह सकते हो कि आयत में क्या कह सकते हो कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो हम क्या कह सकते हैं
कि हमारे पास ये कह सकते हैं कि जो ईच एंगल होता है किसका, रेक्टेंगल का, वो कितने का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। तो ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और टोटल सम देखो क्वाड्रिलेटरल में बता का है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का चार एंगलों का सम कितना होता था, 360 होता था। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ से जब हम इनको ऐड करोगे तो एंगल ए 90 है, एंगल बी भी 90 है, और एंगल सी भी 90 है, और एंगल डी भी 90 है मेरे पास। तो चारों कोण कितने के हो गए मेरे पास, 90, 90, 90 और 90 के बन गए। और चारों को जब हम सम करोगे तो टोटल हो जाएगा 360 हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी हो गए मेरे पास। अब ऐसी देखो वर्ग में हार रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कहा, यहाँ तो इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, बट यहाँ क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है वर्ग में। तो एक डिफरेंट हमें यहाँ मिल गया कि यहाँ तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, बट इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, सभी साइड्स इक्वल होती है। अब आगे बात करते हैं, देखो अपने पास हम किसकी बात करते हैं, अच्छा फिगर रफ हो गए, दोबारा बना लेंगे देखो फिगर को। तो यहाँ से अब बात करते हैं, देखो हमारे पास और प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी, ठीक है भैया, ए बी सी और डी। देखो अब यहाँ से देखो ये विकर्ण ये हो गई, एक विकर्ण ये हो गई। मैंने कहा था कि यदि हमारा घर होता है और हमारा घर का एक कॉर्नर ये होता है, एक कॉर्नर वो होता है, तो जो कॉर्नर हमारा ये कॉर्नर और उस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिला दो तो उसका एक डायगोनल बन जाता है, कहते हैं उसको लीडिंग डायगोनल्स की तरह काम करता है। ऐसे दिस कॉर्नर इंटू दिस कॉर्नर्स आर इक्वल, इस तरीके से बन जाते हैं। तो ऐसी भैया यहाँ भी क्या हो जाएंगे मेरे पास, ये कॉर्नर, इसके कॉर्नर क्या हो जाएंगे कि जितना बी टू डी होगा उतने क्या हो जाएगा, बी से सी हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि विकर्ण क्या कहते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या कहते हैं, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब विकर्ण आपस में बराबर होना है तो इसका मतलब बी डी बराबर किसके हो जाएगा मेरे पास, जितने डिस्टेंस ऑफ बी डी होगा उतनी डिस्टेंस ऑफ ए सी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ऐसे हमारे पास किसमें था, वर्ग में भी था, कि वर्ग के भी विकर्ण क्या हो रहे थे, आपस में बराबर हो रहे थे। तो इतना ध्यान रखना। अब यहां से जैसे विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तो बी डी इक्वल टू किसके हो जाएगा मेरे पास, ए सी के हो जाएगा। अब यहां से देखो मेरे पास एक ये प्रॉपर्टी देखो, इस एंगल को बाहर निकालो, ये मान लो यदि मैंने यहाँ ए बी और ये सी डी एंगल है यहाँ, अब ऐसे मैंने इस एंगल को इस तरफ से बाहर निकाल लिया, मान लो देखो इस तरफ से ये एंगल, तो यहाँ ए बी और ये कितना मेरे पास सी, तो ये मान के चलो देखो दोनों में ए बी कॉमन है, तो मैंने ये एंगल इतना एंगल और ये जो ये वाला एंगल है ये आपस में कैसे है, ये देखो आपस में कितना होगा, क्योंकि यह 90 डिग्री बना रहा है और 90 डिग्री बनाने का मतलब तो पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाती है हमारे पास, और ये क्या हो जाती है हमारे पास हाइपोटेनस हो जाती है, जिसको हम कर्ण कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको हम, हाइपोटेनस, जिसको कर्ण कहते हैं। जबकि यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाती है, परपेंडिकुलर हो रही है, आधार हो जाता है बेस। तो यहां से एक लाइन और बन सकती है कि जो हमारे पास पी बी डी है, सॉरी डी, तो पी डी का स्क्वायर, तो बी डी का जो स्क्वायर है वो बी डी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए डी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के, ए डी के स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर के। ऐसे यहां से बता सकते हो मेरे पास कितना, ये कर्ण ये हो जाएगी इसके सामने वाली, तो ए सी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर देखो ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर, ये हो जाता है। क्योंकि भैया पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये बनता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बनाता है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे। तो हम इनको आपस में क्या कह सकते हैं, आपस में इनको बराबर बता सकते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट और आता है कि जो हमारे पास विकर्ण होते हैं वो आपस में सम विभाजित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं, सम विभाजित करते हैं, ठीक है भैया। तो इतनी बात ध्यान रखना, देखो जितने बच्चे देख रहे हो प्रॉपर्टी हमें पता होनी जरूरी है। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, कितनी प्रॉपर्टी होती है, वो मैंने यहाँ बता दिया है। और यहाँ से एक लाइन और निकल के आ सकती है, देखो भैया लाइन में से लाइन निकल के आती है। तो यहाँ से ये कह सकते हो कि ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के। तो यहाँ से एक लाइन और बना सकते हो कि ए बी पैरेलल, भैया समांतर, ए बी समांतर है डी सी के। एंड और क्या पॉइंट कह सकते हो कि जो हमारा ए डी है या डी ए बोल दो, कि डी ए पैरेलल है किसके, सी बी के। क्योंकि भैया समांतर लाइन वो होती है जो एक दूसरे को कितना ही आगे बढ़ा लो उसको ना काटे।
क्योंकि ये मान के चलो जो ट्रेन की पटरी होती थी वो ऐसे चलती है और वो आगे जाके ऐसे भी ड्रॉ होती है या ऐसे भी जब घूमती है तो वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, तो हमारे पास क्या बन जाती है, समांतर लाइन बन जाती है। तो इतना ध्यान रखना, हमारे पास पैरेलल का मतलब होता है कि एक दूसरे को कहीं ना काटे। यदि ये लाइन ऐसे जा रही है आपस में आगे, ये मान लो ट्रेन की पटरी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा भैया, तो यदि एक दूसरे को आगे चल के ना काटे तो वो पैरेलल होगी। और जैसे देखो ये लाइन ले लो, ये भी ऐसे बढ़ती चली जाएगी तो आगे तक ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, तो ये भी इसको नहीं काटेगी। तो इतना ध्यान रखना, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकते हैं, इसके और फॉर्मूले किस तरीके से बनेंगे। चलो मैं बता देता हूं, देखो कैसे बनेंगे इसके फॉर्मूले। अब जैसे मैंने एक बात मानी कि इसमें मान लो मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल दिया है, कोई भी रेक्टेंगल दे, लेकिन रेक्टेंगल में ज्यादा चीज नहीं होगी, बस इसमें क्या होगा मेरे पास एक सीधा सीधा काम होगा, ये तो मेरे पास साइड हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, ये हाइट हो जाएगी मान लो, तो ये तो होगा इसकी लेंथ, क्या होगा इसकी लेंथ हो गई, जिसको हम लंबाई कह देते हैं, ये होगी इसकी ब्रेथ, हाँ ये ब्रेथ हो जाएगी, जिसको हम क्या कह देंगे इसकी चौड़ाई कह देते हैं। ठीक है भैया, तो इतना ध्यान रखा, यहां से फॉर्मूले बन जाते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो क्या कहते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ में कर देंगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ बन जाएगा मेरे पास यहां से इसका एरिया, जिसको हम कह देते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बता देते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा एरिया होता है, चाहे किसी का भी एरिया निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, एरिया निकाल लो हमारा किसका, रेक्टेंगल का निकाल लो, चाहे हमारा स्क्वायर का निकाल लो, या हमारे पास क्यूब, क्यूबॉइड, किसी का भी एरिया निकाल लो, हमेशा यूनिट स्क्वायर में आती है। तो ध्यान रखना, स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, वर्ग इकाई कह देते हैं जिसको हम, समझ रहे हो ना, यदि मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। अब यहां के बाद बात करते हैं पैरामीटर, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप तो क्या कह देते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इतना ध्यान रखना मेरे पास, यहाँ पैरामीटर क्या बनता है, देखो पैरामीटर होता है किसी को मेजरमेंट करना ऑल साइड से, तो मेरे पास ये, मैं यहां से यहां चला, फिर ऐसे मूव हो गया, फिर यहां से यहां मूव, और यहां से यहां मूव, बट मैं जहां चला वहां पे मैं आ गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी वही हो और एंड पॉइंट भी वही हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है, पैरामीटर बन जाता है। तो परिमाप मतलब चारों ओर की माप घूम के आएगा, तो यहां से ऐसे चला, ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो परिमाप बन जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ, तो देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये भी लेंथ है और ये इसके सामने ब्रेथ है, तो जब हम लेंथ प्लस ब्रेथ, तो देखो कितनी लेंथ आ गई मेरे पास, टू लेंथ प्लस टू ब्रेथ, तो टू कॉमन आ गया, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहां से मेरे पास पैरामीटर क्या आ जाएगा, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, टू से मल्टीप्लाई, किसमें, लंबाई और प्लस चौड़ाई को जोड़ देते हैं। तो इतना ध्यान रखना सभी बच्चे, यहां पैरामीटर यहां से निकल के आ जाता है हमारे पास। तो यहां देखो इसकी प्रॉपर्टी ये थी, बाकी देखो इसके यदि डायगोनल निकालना है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देना यहां से, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, यदि हमें डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि लेंथ का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस इतना हो जाएगा, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। आगे देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लगाता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूं, किस तरीके से होगा फिर क्वेश्चन, क्योंकि हमने सोचा कि हम प्रॉपर्टी बता दे दी सभी बच्चों को, तो प्रॉपर्टी से हमारा बेस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब हम कुछ टाइम बाद अपना जो ज्योमेट्री का पोर्शन वो स्टार्ट करने वाले वीडियो में, तो सभी से देखो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि वीडियो अभी लाइव शुरू करेंगे हम कुछ टाइम बाद, सबको लिंक मिल जाएगा, तो उससे पहले हमने सोचा है कि सभी बच्चों को एक एक प्रॉपर्टी पता लग जाए छोटी से छोटी, क्योंकि कोई भी बच्चा ना छूटे, इतना ध्यान रखना। तो अपना क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या होगा, हम क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मेरे पास ये है कि यदि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है हो, तो आयत का क्षेत्रफल
तथा परिमाप, परिमाप ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो। देखो यदि मैं इसकी फिगर ड्रॉ करने लगा तो फिगर इस तरीके से बना लो। अब यहाँ क्या दिया है मेरे पास, जो लेंथ दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, तो थोड़ा इस तरीके से दिया है, तो लेंथ तो 5 सेंटीमीटर मान लो, लेकिन ब्रेथ 12 की है तो थोड़ी ज़्यादा की दी है इसका मतलब, तो थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर लो। तो ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी, कितने को जाएगी यहाँ ब्रेथ, तो ये 12 सेंटीमीटर की ब्रेथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो मेरे पास देखो आयत का क्षेत्रफल लगाओ, फॉर्मूला बताया अभी, आयत का क्षेत्रफल जो एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितने की है मेरे पास देखो 5 और यहाँ 12, तो 5 × 12 और 12×5=60 और सेंटीमीटर में है तो भैया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगी। अब आयत का परिमाप बताना है, आयत का परिमाप, और परिमाप क्या बताया फॉर्मूला भी, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसका जो पैरामीटर है वो कमेंट सेक्शन में करके बताना सभी को, क्योंकि यहाँ तक मैंने बताया, इसके बाद आपको करके बताना है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो हमारे ज्योमेट्री से आपको सभी को मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू बिल्कुल सभी बच्चों को जिसने देखी है वीडियो।